नमस्कार एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। यूपी के तीसरे चरण के मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग अलर्ट। पोलिंग पार्टियों ने मतदान केंद्रों पर संभाला मोर्चा। 59 विधानसभा सीटों पर 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 2.25 करोड़ मतदाता। दो चरण के मतदान ने बीजेपी की बढ़ाई चिंता। अमित शाह जेपी नड्डा ने लखनऊ में ली बीजेपी नेताओं की बैठक। पूर्वांचल और अवध के चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। सरकार बनाने का किया दावा। औरैया विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चुनावों में गड़बड़ी के मद्देनजर अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी। दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। 24 अवैध असलाह और उपकरण किए जब्त। जौनपुर में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़। 4 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें अवैध शराब, गांजा और हथियार किए बरामद। कई आरोपी हुए फरार। फिरोजाबाद और ललितपुर में रफ्तार का कहर। 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। विवाह समारोह में पसरा मातम। घायलों का इलाज जारी। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायबरेली से लाइव, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जनसंपर्क हो रहा है। झोवा शारकी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित कर रही हैं। तो कोई सोच ही नहीं रहा आपकी समस्याओं के बारे में। अब कह रहे हैं कि बिजली बिल सबकी हाफ करी जाएगी। इसके साथ साथ जिन दुकानदारों, छोटे बिजनेसों ने कोरोना के समय जिनका बताया है बिजली के बिल का, वो पूरा बताया हम साफ करेंगे। तीन सिलेंडर ले लीजिए, लेकिन आपको हम सशक्त करके रहेंगे। हमने 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं। 40% महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव, और ऐसी ऐसी महिलाएं लड़ रही हैं जिन पर भयंकर अत्याचार हुए हैं। हमने उनको कहा ये सत्ता की वजह से हुए हैं। जिन्होंने अत्याचार किया वो सत्ता में थे, उनको बचाया गया, प्रशासन पुलिस ने बचाया। आज तुम सत्ता अपने हाथ ले लो, अपनी लड़ाई को लड़ो, ये नारा लो, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और खड़ी हो जाओ। और वो खड़ी है, लड़ रही है। हो सकता है इस बार कुछ न जीते, कोई बात नहीं, अगली बार के लिए सशक्त होंगे। हम ये कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये नौजवान जिनको आप अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ये नौजवान रोजगार पाए। हम चाहते हैं कि ये मजबूत बने, अपना भविष्य बनाए। इसीलिए सोच समझ के अपना वोट दीजिए। खास तौर से मेरी बहनें और मेरे नौजवान भाई, आप सोच समझ के अपने वोट दीजिए। और तो क्या है, ये सब विकास की बात होनी चाहिए, आपकी बात होनी चाहिए। जो काम करता है उसे आगे बढ़ाओ, जो नहीं करता है उसको परे करो। पुरुषों के लिए क्या हम करना चाहते हैं, और ये बाकी सबके लिए उन्नति विधान है, इसको जरूर पढ़िए। जहां हम यहाँ पे छोड़ के जाएंगे इसको जरूर लीजिए और पढ़िए और समझिए कि क्या करना चाहते हैं हम आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार पर विराम लग गया है। यूपी में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 2.16 करोड़ मतदाता 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में 5 मंडलों के 16 जिलों में मतदान होना है। इस चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से है। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना कानपुर की महराजपुर, आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री मेनपुरी के भोगांव और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में है। वहीं शिवपाल सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच शनिवार को पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंची, वहीं चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अहमद हसन का निधन हो गया। लखनऊ में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 88 वर्ष के थे। अहमद हसन सपा की सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अहमद हसन अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा के रहने वाले थे। आईपीएस अफसर से नेता बने अहमद हसन की पहचान ईमानदार नेता के तौर पर होती थी। यही वजह है वह पहले सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के खास हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अहमद हसन उनके कैबिनेट में मंत्री बने थे। वहीं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अहमद हसन उनके साथ भी कैबिनेट मंत्री बने। उधर विधान परिषद में नेता विरोधी दल अहमद हसन के निधन की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जबकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी अहमद हसन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दारा नगर के गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में त्रिदेव संगम जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने सिरातू विधानसभा में बीजेपी की जीत का दावा किया, साथ ही उन्होंने सपा बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। रामनगरी अयोध्या में इस गोसाईगंज विधानसभा सीट पर दो बाहुबलियों का चुनाव खूनी संघर्ष का रूप ले रहा है। थाना महराजगंज से कुछ ही दूरी पर नेव कबीरपुर गांव के पास दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्ष में कई राउंड हवाई फायरिंग और पत्थरबाजी भी हुई, साथ ही दोनों पक्ष की कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं दोनों पक्ष महराजगंज थाने में तहरीर लेकर पहुंचे तो वहां भी दोनों के समर्थक एकत्रित हो गए। आपको बता दें, गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह के बीच विवाद हो गया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इधर पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह और 5 अन्य को गिरफ्तार कर लिया। इन पर थाने में पथराव और फायरिंग का आरोप है। गोसाईगंज में भाजपा और सपा समर्थकों के बीच विवाद का ये तीसरा मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अयोध्या की पुलिस फर्जी मुकदमा लगा करके बंद कर रही है, जिसने हमला किया, जानबूझ कर साजन फंसाया जा रहा है। अब मैं जा रहा हूं जेल। अब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग लीजिएगा।
चुनाव आप लोगों के हवाले है, पुलिस का अत्याचार आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके। यूपी के संभल से अगली खबर है, जहां दलित परिवार की बेटी की धूमधाम से बारात निकाली गई। आपको बता दें, मुड़ेना गांव में रहने वाली रानू का बारात बुलंदशहर से आई थी। उन्हें डर था कि बारात निकालते समय कोई घटना नहीं हो, ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में धूमधाम से बारात निकाली गई। आने वाली है, गुन्नौर आ चुकी है। हाँ, गुन्नौर आ चुकी है। आप बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के झांसी स्थित मोंड थाना क्षेत्र में भाजपा विधायक के बेटे और कार्यकर्ताओं पर गुंडई करने का आरोप लगा है। इसके मुताबिक आरोपियों ने सपा कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बंधक बने सपा कार्यकर्ताओं को मुक्त कराया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के ललितपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। मेहरौनी क्षेत्र के सिलावन में हुए हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। वहीं पिकअप सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल पाए गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पिकअप में बारात जा रही थी, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां जसराना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। मृतकों में दो चचेरे भाई और तीसरा युवक रिश्तेदार था। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर बहन की शादी के लिए शॉपिंग करके लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि जसराना के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी हरिशंकर वर्मा की बेटी की बारात शनिवार को एटा से आनी थी। बारात की तैयारियों को लेकर हरिशंकर का बेटा अनंत, चाचा का बेटा ऋतिक वर्मा और मैनपुरी से आए रिश्तेदार रिपू वर्मा शॉपिंग करने शिकोहाबाद गए थे। शॉपिंग करने के बाद तीनों एक ही बाइक से जसराना आ रहे थे, तभी पचबा तिराहे पर उनकी बाइक को पीछे से आ रही प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। युवकों की मौत की खबर मिलने के बाद से शादी वाले घर में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।